हेलो दोस्त, नमस्ते। मैं मनोज, आपका दोस्त, आपका यार। आज मैं दोस्त आपको बतलाने जा रहा हूं कि देखिए कैसे हमारे युवा साथी जन सुराज के डोर टू डोर जाकर अपनी बात को पहुंचा रहे हैं और रख रहे हैं कि यहां जन सुराज किस प्रकार से कार्य करेगी, लोगों के लिए कैसे वरदान साबित होगी और कैसे यहां की जनता जागरूक होंगे। कब तक ये नेता के चक्कर में पिसते रहेंगे, अपनी हक कब तक नहीं मांगेंगे, इसके विषय में समझा रहे हैं। तो आप हम सभी लोग इस वीडियो को पूरी बारीकी से देखें दोस्त, धन्यवाद। प्रशांत किशोर जी है, इनका काम है पूरे बिहार में पैदल यात्रा करना। अभी पूरे बिहार में पैदल यात्रा कर रहे हैं। पैदल यात्रा कोई साधारण व्यक्ति नहीं करता है, जिसके अंदर देवी शक्ति होती है वह पैदल यात्रा करते हैं। तो ये पैदल यात्रा इसलिए कर रहे हैं कि आज बिहार के अंदर में शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है, रोजगार का स्तर अच्छा नहीं है। तो बिहार में हमें क्या चाहिए, व्यवस्था परिवर्तन चाहिए। रोजगार के लिए हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, लेकिन हमें वहाँ बिहारी कह के भगाया जाता है। तो हम लोगों को आज ये सोचना है कि हमें जब बिहारी कह के भगाया जाता है तो हम लोगों का जो जाति है वो बिहारी होना चाहिए। तो आने वाले समय में जो वोट करना है 2025 के चुनाव में दीदी, तो ये सोच करके तो करना है कि न जात पर, न पात पर, न मुर्गा भात पर वोट करना है। पीके के बात पर, पीके यानी के प्रशांत किशोर जन स्वराज, जिसका अर्थ होता है जनता का सुंदर राज। जनता का सुंदर राज तभी आएगा जब आप सही प्रत्याशी चुनेंगे। वृद्धा पेंशन जो 400 रुपया मिलता है वृद्ध लोगों को, बूढ़े लोगों को, 60 साल से ऊपर के लोगों को, प्रशांत किशोर जी का कहना है कि जब जन स्वराज आएगी, जनता का सुंदर राज आएगा, तो ये 400 रुपया से हम जनता का जो वृद्ध लोग हैं उनका वृद्धा पेंशन 2000 रुपया हम करेंगे। तो आप लोगों से विशेष निवेदन यही है कि आगामी 2025 के चुनाव में आप अपने बच्चे के भविष्य अच्छा करने के लिए प्रशांत किशोर जी के कंधे से कंधे मिला करके उनका साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय बिहार, जय जन स्वराज।